गुड इवनिंग फ्रेंड, एफोर्डेबल होम प्लान चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज लेकर के आए हैं नया प्लान व्यूअर के द्वारा उपलब्ध कराए गए लैंड डिटेल आधारित ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान, फर्स्ट फ्लोर और फ्रंट एलिवेशन तैयार किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान। स्क्रीन पर आपके सामने है। एज पर रिक्वायरमेंट 2 BHK का प्लान तैयार किया गया है और भूखंड का आकार प्रकार कुछ इस प्रकार है। फेसिंग साउथ है, जबकि वेस्ट साइड में भूखंड की लंबाई 70 फीट है, जबकि ईस्ट साइड में 71 फीट है। और ये थोड़ा टैपर है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और पीछे चौड़ाई 43 फीट है, जबकि आगे 35 फीट है। इसी में 2 बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल, लिविंग रूम, स्टेयरकेस, फ्रंट बरांडा तैयार किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आगे में 19 फीट इंक्लूडिंग वॉल थिकनेस छोड़ा गया है, जबकि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है 25 फीट 4 इंच। ये भी ये 5 इंच के दीवार की चौड़ाई छोड़ने के बाद है। फ्रंट में इस साइड में गैराज प्रोवाइड किया गया है, जिसका साइज है ये इस जगह से लेकर के इस जगह तक 9 फीट और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 फीट 2 इंची। और यहाँ पर रोलिंग शटर लगना है, ये 1 फीट 6 इंची का ये फ्लोर लेवल रखा गया है रोड से यहाँ गैराज का जी हाँ। और इस साइड में एक D2 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का दरवाज़ा प्रोवाइड किया गया है। 2 खिड़कियाँ दी गई है, दोनों खिड़की का साइज रखा हुआ है 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंच जी हाँ। ये मेन बिल्डिंग से साफ अलग है बिल्कुल। उसके बाद में आइए, ये देख रहे हैं इस जगह से 1.5 फीट ऊपर आ जा रहा है ये प्लिंथ लेवल। यहाँ इस जगह पर 3.5 फीट की चौड़ाई में आयरन गेट प्रोवाइड करना है, और ये फ्रंट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है 11 फीट 4 इंची, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 6 फीट 10 इंची है। इस जगह पर 3.5 फीट की चौड़ाई में और 4.5 फीट ऊंचाई में खिड़की दिया गया है। सिमिलर साइज का खिड़की यहां भी प्रोवाइड किया गया है। यदि आप चाहें तो इस जगह से भी एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट सीधे अंदर जाने के लिए जी हाँ। और इधर से यहाँ पर ये देख रहे हैं डी प्रोवाइड किया गया है, जिसका साइज है 3 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 7 इंच। यहाँ पर भी आपको दोनों साइड से ये 5 इंच छोड़ कर करके ये विंडो प्रोवाइड कर देना है। और इस साइड से इधर खिड़की ये सीढ़ी स्टेयर केस प्रोवाइड किया गया है, जो इधर से सीढ़ी ऊपर चढ़ना शुरू हो रहा है। यहाँ पर ट्रेड की चौड़ाई रखी हुई है 12 इंच जी हाँ। 1 फीट के चौड़ाई में ट्रेड है, जबकि राइजर है 6 इंची में,
और फ्लाइट की चौड़ाई है 3 फीट 6 इंची। इस जगह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 5 फीट ऊपर आते हैं तो ये फर्स्ट लैंडिंग होता है। इसके बाद एल शेप में इस साइड ऊपर चढ़ना शुरू होता है। सीलिंग हाइट रखा हुआ है 10 फीट 8 इंच। रूफ स्लैब थिकनेस 4 इंच है। और ये एरिया देख रहे, ये इस जगह पर आपको ये लिविंग रूम बन रहा है, जी हाँ, जिसका साइज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 फीट और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 20 फीट। जी हाँ, यहाँ से लेकर के इस जगह से यहाँ तक 20 फीट है। इसी में ये 3 सीटर सोफ़ा इस साइड लगा हुआ है और सिंगल सोफ़ा इधर हमने सामने, बीच में सेंट्रल टेबल है, इधर टीवी प्लेस किया गया है और दोनों साइड में टेबल दिया हुआ है ये। और उसके बाद में ये लिविंग रूम से अटैच टॉयलेट है, सॉरी यहाँ गलती से 6 फीट बाय 6 फीट लिखा गया है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फीट हो रहा है और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 4 फीट 1 इंच हो रहा है ये टॉयलेट। और ये बीच से 3.5 फीट का ये पैसेज है जिसमें डी साइज का दरवाज़ा प्रोवाइड किया गया है। और इस साइड में यहाँ आपका ये स्पेस बन रहा है रेफ्रिजरेटर रखने के लिए, इस साइड में बेसिन रखें। और ये अग्निकोण में किचन है, जी हाँ, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक 11 फीट 4 इंची, जबकि इस जगह से लेकर के इस जगह तक 6 फीट 3 इंच है। और ये डाइनिंग हॉल हो गया, डाइनिंग हॉल का साइज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10.5 फीट और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 10 फीट। एक बेडरूम यहाँ बन रहा है जिसका साइज यहाँ से यहाँ है 14 फीट 6 इंची और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 12 फीट है। इसमें एक साइड में टॉयलेट रखा हुआ है 6 फीट यहाँ से यहाँ, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 6 फीट है। और इधर बालकनी प्रोवाइड किया गया है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फीट 1 इंच है और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 6 फीट है। इस साइड में 8 फीट 1 इंच का विंडो प्रोवाइड किया गया है और इधर 3 फीट का, और यहाँ से ये 3 फीट इस जगह भी आयरन गेट प्रोवाइड करना है ये नीचे आने के लिए पीछे से भी। और दूसरा बेडरूम इस साइड आ रहा है जिसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक रखा हुआ है 12 फीट और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 14 फीट है। जी हाँ, दोनों बेडरूम में बेड का साइज दर्शाया गया है, साथ ही साथ 3 सीटर सोफा लगाया गया है। जी हाँ, सभी W का साइज रखा हुआ है 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंच, जबकि वेंटिलेटर V का साइज रखा हुआ है 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच। और ये जगह यहाँ और यहाँ दो वेंटिलेटर लैंडिंग के ऊपर प्रोवाइड किया गया है, फर्स्ट लैंडिंग के ऊपर, दोनों का साइज है 3.5 फीट। जी हाँ, लैंडिंग से ऊपर जाएगा ये 3 फीट के ऊपर शुरू होगा, 3.5 फीट के चौड़ाई में। जी हाँ, तो ये था। और ये देखिए, इस जगह से लेकर के इस जगह तक घुमा कर सनसेट प्रोवाइड किया गया यहाँ 2 फीट की चौड़ाई में। जी हाँ, तो ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान। यह फर्स्ट फ्लोर में कुछ खास नहीं है, इस जगह से लेकर करके यहाँ तक देखिए 7 फीट रखा हुआ है। ये 5 इंची का दीवाल है, पीछे वाला दीवाल 10 इंची रखा हुआ है। और ये इस जगह से सीढ़ी नीचे आना शुरू होता है, जी हाँ। और यह रूफ स्लैब ऊपर में कास्ट होगा, 9 फीट 8 इंची यहाँ पर रखा हुआ है सीलिंग हाइट बमटी के लिए। और ये दो तीनों चारों साइड में ये 2-2 फीट का प्रोजेक्शन निकला हुआ है जो स्लोप दर्शाया गया है यहाँ, इस जगह से इस जगह 2 फीट है, ये 2 फीट नीचे लिंटर लेवल तक आता है ये। जी हाँ, फ्रंट एलिवेशन में स्पष्ट हो जाएगा। और ऊपर में, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया था, ऐसे ही एक रूम बनाया गया है। जी हाँ, वो जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में आपने देखा वैसा ही था। और इसमें भी चारों साइड से ये रूफ को ये बाहर वाले पोर्शन में वॉल से बाहर स्लोप बना दिया गया है।
ये 3 इंची की चौड़ाई में देख रहे हैं, ये दोनों, ये 3 इंची की चौड़ाई में 10 इंची नीचे लटकेगा बीम, इसमें भी और इसमें भी। तो ये था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान। चलिए देखते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा है ये। जी हाँ, ऐसा ही आपका अगर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो नज़र आएगा कुछ। ये मेन एंट्रेंस है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक 12 फीट रखा हुआ है। ये टेपर वाला पोर्शन है, ये पीछे जो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक 43 फीट था, जबकि आगे में इस जगह से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक 35 फीट आ रहा है। तो वही टेपर वाला पोर्शन है, ये बाउंड्री वाला ही सामने में। जी हाँ, ये गेट 12 फीट का दर्शाया हुआ है और ये बाहर में आपका यही है गैराज, इसमें रोलिंग शटर लगाना है। जी हाँ, इस जगह से लेकर के इस जगह तक 9 फीट आता है, इसमें 5-5 इंची का दोनों कॉलम के साथ में ब्रिक वर्क करना है और ये दो वेंटिलेटर आएगा। जी हाँ, ये स्टेयर केस का टॉप हो गया और यही आपका एक रूम ऊपर में जो बन रहा है उसका है, यही यहाँ से ये 2 फीट के यहाँ से बाहर निकला हुआ है, इसमें भी और इसमें भी यही स्लोप है ये, और ये इस जगह से लेकर के इस जगह तक 10 इंची है। तो फ्रेंड, ये था ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के प्लान के साथ साथ में साउथ फेस का फ्रंट एलिवेशन। आशा है प्लान पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन नए प्लान के साथ। गुड नाइट, थैंक यू।